और इस तरफ आ जाता है इसका लिविंग रूम। ये बालकनी 3 साइड कवर रहने वाली है। ये किचन आपको फर्निश्ड मिलने वाली है, तो एल शेप में मिल जाती है बे विंडो। हर किसी की जरूरतें अलग हैं और हर किसी का चीजों को देखने का नजरिया भी बिल्कुल अलग है। आज का जो प्रोजेक्ट है उन लोगों को काफी पसंद आएगा जिनके लिए टाइम की कीमत मायने रखती है और साथ ही जिन्हें लग्जूरियस लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आज हम आए हैं हिंजेवाड़ी लोकेशन पर। आज का जो प्रोजेक्ट है ये आ जाता है हिंजेवाड़ी फेज 1 और फेज 2 के बॉर्डर पर। प्रोजेक्ट के सामने आ जाता है 24 मीटर वाइड सेंशन रोड, जो फ्यूचर में जाकर लगभग 200 मीटर के डिस्टेंस पर कनेक्ट करने वाला है विप्रो सर्कल से। अगर बात करूं हिंजेवाड़ी के फेमस लक्ष्मी चौक की, तो वो इस प्रोजेक्ट से लगभग 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। आज का जो प्रोजेक्ट है ये काफी अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको फैसिलिटीज भी वैसी ही मिलती है। प्रोजेक्ट के अंदर आपको हेल्थ केयर, स्पा, कैफे जैसी फैसिलिटी तो मिलती ही है, साथ ही यहाँ पर इंडिया की कई टॉप अकेडमीज के साथ में टाई अप भी किया गया है, जैसे कि MS धोनी की क्रिकेट अकेडमी। तो आपको बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आपके प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा प्रीमियम है। आज का जो प्रोजेक्ट है इसका बिल्डिंग का एलिवेशन डायमंड शेप का है, इसीलिए यहाँ का हर एक फ्लैट कॉर्नर फ्लैट है। आपके घर के अंदर बहुत अच्छी धूप आएगी, प्लस आपके घर के अंदर बहुत अच्छा वेंटिलेशन भी बना रहेगा। जो डेवलपर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं उनकी लीगेसी 22 इयर्स पुरानी है, प्लस उन्होंने 50 प्लस प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। और आज का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है MY1 कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज करके। यहाँ पर 3 BHK का सैंपल फ्लैट रेडी हो चुका है, जिसका कारपेट एरिया है 1060 square feet। तो चलिए फिर उसका एक क्विक टूर कर लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं सैंपल फ्लैट के बाहर। बाहर आपको मिल जाता है वीडियो डोर फोन और इस तरफ आ जाता है डिजिटल डोर लॉक। और जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं आपको यहाँ पर मिल जाती है एंट्रेंस लॉबी और शू रैक डिजाइन करने के लिए मेरे राइट साइड में अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। तो आ जाइए अंदर। और इस तरफ आ जाता है इसका लिविंग रूम। बात करूं इसके साइज की तो ये है 11x18। तो यहाँ पर आप अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप एल शेप का सोफा लगा सकते हैं, सी शेप का सोफा भी आप यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। प्लस इसी के ऑपोजिट में आपको वॉल मिल जाती है, जहाँ पर आपको प्रोविजन मिलने वाला है TV लगाने का। प्लस आप कुछ यहाँ पर इस तरह का इंटीरियर भी कर सकते हैं। जो डाइनिंग एरिया है उसे बिल्कुल सेपरेट रखा गया है आपके लिविंग एरिया से, और इसके साथ में आपको बालकनी भी मिल जाती है। और बात करूं इस बालकनी के साइज की तो ये है 10.4x5। यहाँ पर आप इस तरह से झूला लगा सकते हैं, प्लस पीछे चाहिए तो इस तरह से प्लांट्स भी लगा सकते हैं। ये बालकनी 3 साइड कवर रहने वाली है। नीचे आपको मिल जाते हैं वुडन टेक्सचर के टाइल्स और राइट साइड में आपको काफी अच्छी हाइट की रेलिंग भी मिल जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। मेरे लेफ्ट साइड में आ जाता है डाइनिंग एरिया। बात करूं इस डाइनिंग एरिया के साइज की तो ये है 5.6x10.6। यहाँ पर आराम से 6 सीटर डाइनिंग टेबल आप लगा सकते हैं। मेरे पीछे आ जाती है किचन। किचन आपको ओपन मिलने वाली है। अगर ओपन किचन पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ इस तरह का इंटीरियर करवा सकते हैं। चाहिए तो इंटीरियर के साथ इसे पूरा कवर भी कर सकते हैं। और किचन का साइज की बात करूं तो वो है 11.5x8 और ये किचन आपको फर्निश्ड मिलने वाली है। नीचे के कैबिनेट्स विद ट्रॉलीज आपको मिलने वाले हैं। इस तरफ आपको गैस स्टोव और चिमनी भी मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है जो इसका ड्राई एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट है, तो देखा जाए तो आपको काफी अच्छे साइज की किचन मिल जाती है। जो इस ड्राई एरिया का साइज है वो है 4.4x6.6। जो नीचे आप टाइल्स देख रहे हैं एंटी स्किड टाइल्स है, प्लस ये ड्राई एरिया भी 3 साइड कवर रहने वाला है। इस तरफ आप लगा सकते हैं अपना वॉशिंग मशीन। तो चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जो आप ये वॉल देख रहे हैं इसके पीछे आ जाता है फर्स्ट बेडरूम।
और जो ये बेडरूम है इसका साइज है 10x12। इसका कर सकते हैं आप मल्टीपर्पज यूज, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं। तो आप इसे एज अ स्टडी रूम, एज अ पेरेंट्स रूम, एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। आप इस तरफ लगा सकते हैं बेड, प्लस इसी के ऑपोजिट में आपको एक वॉल मिल जाती है कवर डिजाइन करने के लिए। चाहिए तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटीरियर करवा सकते हैं। और वेंटिलेशन आपको मिलेगा यहाँ से, क्योंकि आपको यहाँ पर काफी अच्छी वाइड विंडो मिल जाती है। और इसी के ऑपोजिट में आ जाता है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉश बेसिन आपको बाहर की तरफ दिया गया है। यहाँ पर कोलर एंड जैगवार ब्रांड के फिटिंग्स यूज किए गए हैं। प्लस आप ऊपर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर स्पेस दी गई है इन्वर्टर और वाईफाई का सेटअप लगाने के लिए। और इस तरफ है वॉशरूम। इस बात करूं इसके साइज की, तो ये है 4.6x6। यहाँ पर भी नीचे मिल जाते हैं एंट्रीज के टाइल। वेट एरिया और ड्राई एरिया को सेपरेट किया गया है। जो वेट एरिया है इसका टाइल ड्रॉप है। यहाँ पर भी मैट फिनिश के टाइल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर भी जो फिटिंग्स हैं वो प्रीमियम है। तो चलिए अब हम चलते हैं किड्स बेडरूम की तरफ। मेरे लेफ्ट साइड में आ जाता है आपका बेडरूम और मेरे पीछे आ जाता है किड्स बेडरूम। पहले हम चलेंगे देखने किड्स बेडरूम। जो इसका साइज है वो है 12x11.4। नीचे आप जो देख रहे हैं ये विट्रिफाइड टाइल्स है। प्लस मुझे इस रूम की एक चीज अच्छी लगी, वो है ये बे विंडो। आपको ये बे विंडो किड्स बेडरूम में मिल जाती है। प्लस ये आपको मास्टर बेडरूम में भी मिलती है। बच्चों के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं बेड, तो आपको इस तरफ स्पेस मिल जाती है बेड लगाने के लिए। चाहिए कुछ तो आप इस तरह का इंटीरियर करवा सकते हैं। इंटीरियर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लस आपको एक लेफ्ट साइड में भी फ्री वॉल मिल जाती है। तो बच्चों के लिए और कवर डिज़ाइन करना हो, स्टडी टेबल डिज़ाइन करना हो, तो वो कर सकते हैं। प्लस विंडो के ऑपोजिट में आ जाता है अटैच वॉशरूम। और जो ये वॉशरूम है इसका साइज है 4.6x8। जो नीचे आप टाइल्स देख रहे हैं ये एंटीज की टाइल्स हैं। यहाँ पर भी वेट एरिया और ड्राई एरिया को सेपरेट किया गया है। वेट एरिया में टाइल ड्रॉप है। जो आप साइड में टाइल्स देख रहे हैं काफी अच्छा टेक्सचर है इनका। WC यहाँ पर वॉल माउंटेड है। वॉश बेसिन के नीचे प्लेटफॉर्म मिल जाता है। प्लस इस तरफ भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है सामान रखने के लिए। और यहाँ के भी फिटिंग्स प्रीमियम है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके बेडरूम में। मेरे लेफ्ट में है आपका बेडरूम और जो ये बेडरूम है इसका साइज है 11x14.6। रियली में बहुत ज्यादा स्पेशियस है। प्लस ये इस घर का सबसे बड़ा बेडरूम भी है। यहाँ पर आपको L शेप में मिल जाती है बे विंडो। और ये बे विंडो आपको इस तरह से इतनी ज्यादा इसीलिए मिलती है क्योंकि जो बिल्डिंग का एलिवेशन है वो डायमंड शेप का है। प्लस आप यहाँ पर बैठकर इस तरह से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेड लगाना हो तो आपको यहाँ पर जगह मिल जाती है एक बड़ा सा बेड लगाने के लिए। प्लस इसी के ऑपोजिट में आपको एक फ्री वॉल मिल जाती है कवर डिजाइन करने के लिए। और इसके साथ में आ जाता है अटैच वॉशरूम। तो चलिए अब हम वॉशरूम में चलते हैं। और ये वॉशरूम भी इस घर का सबसे बड़ा वॉशरूम है। जो नीचे के टाइल्स है ये एंट्रेंस के टाइल्स है। प्लस यहाँ पर भी मैट फिनिश के टाइल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको वॉश बेसिन के नीचे काफी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। एक्स्ट्रा फिटिंग्स कराने की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। WC यहाँ पर भी वॉल माउंटेड है और सारे फिटिंग्स प्रीमियम है। तो चलिए अब हम चलते हैं लिविंग रूम में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट की और डिटेल्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये प्रोजेक्ट आ जाता है हिंजेवाड़ी लोकेशन में। कनेक्टिविटी वाइज ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। 1 किलोमीटर के अंदर आपको 2 प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन मिल जाते हैं।
बात करूं टोटल लैंड पार्सल की तो ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है 17 एकड़ में और यहाँ पर हर एक टावर में 2 लेवल पार्किंग प्लस 23 फ्लोर्स रहने वाले हैं। हर एक फ्लोर पर आपको 6 फ्लैट मिल जाते हैं बट सारे के सारे फ्लैट्स यहाँ पर कॉर्नर फ्लैट्स हैं। बात करूं मिलने वाली एमिनिटीज की तो यहाँ पर आपको 40 प्लस प्रीमियम एमिनिटीज मिल जाते हैं जिसमें कि हेल्थ केयर, स्पा जैसी फैसिलिटीज तो है ही, प्लस यहाँ पर इंडिया की टॉप अकेडमीज के साथ में टाई अप भी किया हुआ है, जैसे कि श्यामक दावर की डांस अकेडमी, एमएस धोनी की क्रिकेट अकेडमी। बात करूं इस सैंपल फ्लैट के कारपेट एरिया की तो ये है 1060 स्क्वायर फीट और इसकी प्राइसिंग शुरू होती है 1.22 CR से और यहाँ पर हर एक फ्लैट सेमी फर्निश्ड फ्लैट है, आपको यहाँ पर किचन फर्निश्ड मिल जाती है और इस प्रोजेक्ट का पोजीशन है दिसंबर 2026 बाय रेरा। बिल्डिंग का एलिवेशन डायमंड शेप का है इसीलिए घर के अंदर बहुत अच्छी धूप आएगी प्लस बहुत अच्छा वेंटिलेशन भी आपको मिलने वाला है। अगर आपको यहाँ पर जितने कारपेट एरिया हैं उनकी जानकारी चाहिए प्लस उनकी प्राइसिंग चाहिए तो वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आपके लिए साइट विजिट करना पॉसिबल नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपके घर पर आएं, पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करें, तो वो सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं और हमारी सारी सर्विसेज आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। साथ में हम आपकी मदद करते हैं होम लोन प्रोसेसिंग में भी। और अगर आपने हमें अभी भी इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए KD Asset Builder को आज ही फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।